मैं हूं आपका अपना सुबह सर मला हूं आपके लिए सीबीएसई के एक बड़ी अपडेट जिसमें सीबीएसई ने पोस्टपोन कर दिए हैं एग्जामिनेशन। यह है सीबीएसई का न्यू नोटिफिकेशन जो कि 18 मार्च 2020 का है, जिसमें एक क्लियरली दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स इन कॉम्प्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड लेटर नंबर दिया हुआ यहाँ पर बताया गया है 18 मार्च 2020 को। इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट में बताया गया है ऑल ऑन गोइंग एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड फॉर क्लास 10th एंड 12th बींग हेल्ड इन एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड शेड्यूल बिटवीन 19th मार्च 2020 एंड 31st मार्च 2020। ये दोनों ही डेट उसमें शामिल हैं। इनके जो डेट्स हैं उनको रिशेड्यूल किया जाएगा आफ्टर 31st मार्च, मतलब इस 19th मार्च 2020 से लेकर के 31st मार्च तक होने वाले एग्जामिनेशन को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। पॉइंट नंबर टू में बोला गया है ड्यूरिंग द अफॉरमेंशनड पीरियड री एग्जामिनेशन दैट वर रीशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कैंडिडेट विल आल्सो बी फर्दर रीशेड्यूल्ड। के अलावा जो भी एग्जाम शेड्यूल्ड थे 19 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक के, जो भी चाहे वो दिल्ली के हों या आउटसाइड ऑफ दिल्ली के हों, वो सभी के सभी रीशेड्यूल्ड किए जाएंगे। नंबर थर्ड में बताया गया है ऑल स्कूल्स में इन Sure that the information is disseminated to all concerned students from their respective schools. मतलब schools के through जो भी students हैं उनको ये information convey कराई जाएगी। इसके अलावा point number 4 में बताया गया है reschedule dates will be communicated by the board to all its stakeholder by 31st March 2020 after reassessment of this situation। मतलब जो 31st मार्च 2020 के बाद जैसी भी कंडीशन होगी उसके देखते हुए ही रिशेड्यूल का जो भी प्रोग्राम बनेगा उसके बारे में जो भी सीबीएसई से स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन से मतलब है, उन सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में बताया गया ऑल ऑन गोइंग बोर्ड एग्जाम रिलेटेड इवेल्युएशन वर्क इन वेरियस एजुकेशन सेंटर्स इन द कंट्री इज आल्सो सस्पेंडेड अप टू 31st मार्च 2020। ऑल सेंटर्स नोडल सुपरवाइजर्स मे इंश्योर रीशेड्यूलिंग ऑफ इवेल्युएशन वर्क फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 अनलेस अदरवाइज इन्फॉर्मड बाय द बोर्ड। इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी क्लियर किया है कि जो भी वैल्यूएशन का वर्क हो रहा था, इवेल्युएशन का, कॉपी करेक्शन का, वो कॉपी करेक्शन का वर्क भी अभी 31st मार्च तक के लिए रोक दिया गया है। और अगर बोर्ड कोई नई जानकारी नहीं देता तो ये जो इवेल्युएशन का वर्क होगा वो 1st अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना ये आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि इससे एक तो आपको कोरोना वायरस से आपको सेफ्टी मिलेगी और साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करने का और मौका मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू।